Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting for partnership firms and presently we are doing the chapter change in profit sharing ratio among existing partners. The question is, Meeta, Gopal and Farhan were partners showing profits and losses in the ratio of sharing profits in the ratio of 3:2:1. On 31st March of the current year, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. On this date, their balance sheet showed deferred advertisement expenditure. ये जो deferred advertisement expenditure है, ये हमेशा हमेशा के लिए partners capital account को old ratio में write up हो जाएगा. ये और इसका और एक item है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये दोनों एसेट साइड में अपीयर करता है. तो उसका जर्नल एंट्री होगा वर्किंग नोट के हिसाब से ओल्ड रेशियो मिता गोपाल फरान और न्यू रेशियो दे रखा है, ये हमेशा राइट अप हो जाएगा. मिता गोपाल फरान डेबिटेड टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. और कॉन्टीजेंसी रिजर्व के बारे में बोला है, सिंपली जर्नल एंट्री पास करो कॉन्टीजेंसी रिजर्व टू मिता गोपाल फरान ओल्ड रेशियो में होगा. पुराने चीजें ओल्ड रेशियो में. एक नई आइटम इसमें दे रखा है, गुडविल वाज वैल्यूड एट 4,80,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकंस्टिट्यूशन. जो गुडविल है ये हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो तीनों का ओल्ड रेशियो यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में और न्यू रेशियो दे रखा है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो. सैक्रिफाइसिंग हो गया मिता का 0 और गोपाल का 2/60 एंड फरान का उतना ही निकलेगा 2/60 गेन. ये सैक्रिफाइस ये गेन यानी 1/30 1/30 और गुडविल ऑफ द फार्म दे रखा है 4,80,000. ये एंटायर ट्रीटमेंट के लिए गुडविल के लिए. तो गुडविल के लिए होता है गुडविल ऑफ द फार्म जो 4,80,000 का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. यानी फरान विल गिव टू गोपाल, फरान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल कैपिटल अकाउंट. तो फरान विल ट्रांसफर और गिव फॉर गुडविल 4,80,000 का 2/60 16,000 एंड गोपाल विल गेट, गोपाल इज सैक्रिफाइसिंग, गोपाल विल गेट सेम 4,80,000 का 2/60 16,000. तो नाउ फरान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, ये दिस इज फरान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल कैपिटल अकाउंट. ये गुडविल का ट्रीटमेंट है. सबसे पहले आपके कॉन्टीजेंसी रिजर्व को, ये जो आपके कॉन्टीजेंसी रिजर्व नहीं, आपके जो दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000, इसको राइट अप कर दो. मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फरान्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 30,000. बींग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट व्हाट एवर द केस में भी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बींग डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रिटन अप इन ओल्ड रेशियो, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है. और कॉन्टीजेंसी रिजर्व को भी ऐसे करेंगे. कॉन्टीजेंसी रिजर्व फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए, ऑफिस गिर जाए ड्यू टू सम रीजन, ये कॉन्टीजेंसी रिजर्व का पैसे उसमें वो लॉस को भरने में ठीक कराने में लगाते हैं. कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू मिता गोपाल फरान क्रेडिट में लिख दो. तो मिता गोपाल फरान कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, बीइंग कॉन्टीजेंसी रिजर्व क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा. बट इन केस ऑफ गुडविल इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. आई मीन गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, फरान्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फरान गेन कर रहा है. इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इट इज फरान्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट. बीइंग एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दिस इज ऑल अबाउट, इसको टोटल करो और दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर. गुडविल हमेशा ऐसे ट्रीट होगा जैसे चेंज ऑफ रेशियो के बाद वैल्यूएशन हो रहा है, और एनी प्रॉफिट रिजर्व ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, कुछ बताया नहीं तो.
और एनी एक्यूमुलेटेड लॉस यानी डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर